की है, बहुत शदीद गर्मी है। मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे किचन में जाऊँ और काम शुरू करूँ। अभी तो गैस नहीं आई, लेकिन मैंने सारा सामान तैयार करके रख लिया हुआ है। जैसे ही गैस आएगी तो मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगी। सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आती है, तो 2 घंटे में मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम कम्प्लीट करना है। अल्लाह करे कि सारा काम मेरा कम्प्लीट हो जाए 2 घंटे में ही। और गर्मी इतनी ज़्यादा इंतहा की गर्मियाँ आज ये जी हूरब की गुड़िया भी मेरे सारे यहाँ झूले में बैठी हुई है। इंडिया से वो काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। यहाँ मैं मीठे में सबसे पहले कस्टर्ड बना रही हूँ। मैंने कहा पहले कस्टर्ड बना लूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद बाकी की चीज़ें तैयार करूँगी। उनके लिए ये लहसुन प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने मसाला वगैरह तैयार कर लिया है, बस बनानी है। आज खाने में बनेगा जी बिरयानी और उसके साथ बनेंगे शामी, मीठे में बनेगा कस्टर्ड, जो कि हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मैंने बनाया, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है। हमें चेंज नहीं किया अभी, मुंह धोवाई हो, मुंह तो ऐसे लेके खड़ी है जैसे अभी अभी सो के उठी हो और अभी भी नींद में हो। भूख लग रही है सबको और गैस आती है हमारी लेट, गैस आती तो मैं खाना बनाती ना, गैस अभी आई है तो साथ ही मैंने फटाफट खाना बनाना शुरू कर दिया इससे पहले कि गैस जाए। मैंने कहा हमारा खाना तो तैयार हो जाए। और हूरब भी नहीं नहाई अभी तक, हूरब क्या सोच हूरब ऐसे क्या हो क्या हुआ है पूरा वैसे हैरान परेशान हो रही है। जाओ नहा के आप भी चेंज करो, गर्मी आज शदीद है, इंतहा की गर्मी हो रही है। गया हमारा रेडी, अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कस्टर्ड हमारा तैयार हो जाए। मैं चीज़ें जल्दी जल्दी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि गैस आई है सिर्फ 2 घंटे के लिए। कस्टर्ड हो गया बिल्कुल तैयार, हल्का सा ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर दिया है। फ्रूट केक डाला है इसमें, कैंडी बिस्किट डाले हैं, फ्रूट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड हो गया है तैयार। हूरब अभी तक नहाने नहीं गई, साइकिल चलाने में बिजी है। ये उठाओ और इसको ना फ्रिज में रख दो ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। हाँ जी आप ही रखोगी क्योंकि मम्मा को और भी बहुत से काम है। इधर मैंने शामियों का मसाला मैं खोलती हूँ ना, शामियों का मसाला रख दिया मैंने तैयार होने के लिए। ये लो जी चलें जी, एक चीज़ तो हमारी हुई कंप्लीट, सारे काम तो मैं लेके सुबह से लेके। हाँ जी मम्मा तो ऐसे ही फारिग बैठी हुई है सुबह से, नबीहा लगी हुई है सारे काम। अच्छी बात है ना, मिलजुल के काम करना चाहिए। शामियों का मसाला हो गया था तैयार और ये अब मैंने यहाँ पे बिरयानी बनानी शुरू कर दी है। कितना टाइम लगेगा इसमें? बस आधा घंटा। आधा घंटा? और बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा क्या कर रहे हो? बाबा बेटा कर रहे हैं ये क्या कहते हैं इसको, मशीन में से दाल निकाल रहे हैं। हाँ जी मैंने कहा कि काम ज्यादा है, मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दें। सुबह से कर मैं अकेला रहा हूँ, काम ज्यादा है। वो पूरा पर मैं कर रहे हैं चिकन का। हूरब भी नहा के आ गया, चिकन के रेशे मैंने बना लिए थे और मैंने कहा कि दाल इसमें पीस लेते हैं, जल्दी पीसी जाएगी। ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। चिकन नहीं मैं इसमें पीसती, वो रेशे नहीं आते इसमें ना सही तरह। ये तो ऐसे निकल रही है जैसे गोदड़े बनाते हुए निकल, गोदड़े कहते हैं ना। हाँ जी जब तक रेशे ना हो शामी में तो शामी का मजा नहीं आता खाने का। सही बात है, सही बात। टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का नहीं देना? नहीं वो खत्म हो गया था, मैंने वो बना लिया है। लहसुन अदरक का मैंने फ्रेश
फ्रेश ही बना लिया, वो खत्म हो गया था बना हुआ, बस टमाटर का रह गया, अब लहसुन अदरक का भी दोबारा बनाऊंगी। शामी मैंने फ्राई कर ली है और चावल भी तैयार हो गए हैं। कस्टर्ड मैंने पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया हुआ था, कस्टर्ड भी फुल ठंडा हो गया, रायता भी मैंने बना लिया, बस बर्तन लगाएंगे, मेहमानों के आने का इंतजार है, जैसे ही मेहमान आएंगे उनको खाना दे देंगे। बच्चों को भी भूख लग रही है, बच्चों की मासूम मासूम शक्लें, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, बस अब खाना देते हैं ना, मेहमानों को मैंने कह दिया वो आने वाले, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया, 8 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले नहीं हैं, 2 बजे, 2 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं, 2 बज रहे हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी थी अब मौसम माशाल्लाह उतना ही अच्छा हो गया, पहले आंधी थी और उसके बाद अब बारिश शुरू हो गई और बच्चों ने ज़िद की कि मम्मा हमें कहीं घुमाने के लिए लेके जाएं, लेकिन सारा दिन गर्मी की वजह से और पूरा दिन मेरा आज किचन में गुजरा है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, सर में हो रहा था शदीद दर्द, घर की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, फ्रूट लेना था, दूध ख़त्म हो रहा था, पानी लेना था, फिर रेहान ने कहा कि चलो दूध ले आते हैं, फ्रूट ले आते हैं, बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, ये जिधर रेहान ले रहे हैं फ्रूट और बारिश हो रही है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया वेलोवोर का, कितनी तेज़ बारिश हो रही है और इतनी मज़े की हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी। हूरब बाबा की सीट पे आके बैठ गया, अब हूरब ने गाड़ी चलानी है, दूध का डिब्बा गोद में रखा हुआ है, ये सामान भी अभी उठा के ना मैंने पीछे रखना है, ये पीछे रखो सामान, और ये बाकी बच्चा पार्टी बैठी हुई है पीछे, एक शॉपर नींद से उठ रहा, मज़ा आ रहा है, उठो यहाँ से बाबा आ गया, इधर आ जाओ, ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है जी बच्चों को ठंडी ठंडी हवा। हाँ जी बच्चे जी कह रहे थे चलें एंजॉय करके आए, ये एंजॉय नहीं करवा रहे, ये तो खर्चा करवा रहे हैं ना क्या तो वैसे भी कहीं आउटिंग के लिए लेके जाते वो भी खर्चा होना था, चलो ये घर का सामान भी आ गया, बच्चों की आउटिंग भी होगी है, और चलो ये मौसम का फल, चलो बच्चे फ्रेश जूस पिएंगे, आए हम लोग फिर भी हम लोग जाएंगे आज फिर भी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत हो रही है खराब, यहाँ से सिर्फ मैंगो मिले हैं, हाँ मैंगो मिले हैं, वो आड़ू को आगे से देखते हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है लाहौर का, और लाहौर का मौसम अच्छा, लाहौर का मौसम अच्छा होते ही दुनिया मखलूकात बाहर निकल आती है सड़कों पे, और रश हो रहा है हर जगह, ऐसे ही है, देखें शॉपिंग मॉल्स में भी शॉपिंग करने, हाँ जी आज वीकेंड नाइट है इसलिए भी बहुत ज्यादा रश है, ये देखें पूरब का दिल कर रहा था जी आड़ू खाने के लिए, और यहाँ आड़ू नजर आए हैं, पूरब ने कहा है बाबा मुझे आड़ू भी खिलाए, आड़ू लेके दें, रेहान गए अब यहाँ से आड़ू लेने के लिए, यहाँ लाइन में ये सारी फ्रूट की रेड़ियाँ लगी होती हैं और मुनासिब रेट पे भी मिल जाता है यहाँ पे फ्रूट, इसलिए हम यहाँ से फ्रूट लेने आते हैं, हाँ जी हूरब कह रही है कि आज मैंने ही गाड़ी चलानी है, चेयर कह रही है, चेयर पे आगे सीट है ये, अबीरा चेयर गाड़ी में चेयर रखते हैं, गाड़ी में चेयर कहाँ से आएगी, अबीरा की नवी वो बात, सुबह मेरे 7 बज गए थे दो की जगह, हाँ जी सुबह 2 बज रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे थे घड़ी में, और इसको 7 नजर आ रहे थे, कह रही मम्मा 7 बज गए हैं शाम के, भूख की वजह ये हालात है, भूख से इसका इतना दिमाग घूम गया हुआ था, इसको 2 की जगह 7 नजर आ रहे थे, घर पहुंच गए और आते ही हूरब को लग गई है भूख, हूरब कह रही है मम्मा मुझे चावल दें डाल के, और आते ही पौनियाँ खोल के ना जिन बन जाती है ये, इसको पता नहीं क्या उलझन होती है पौनियों से, अभी देती हैं मम्मा चावल, और ये जो 3 है ये आते ही यहाँ लेट गई हैं, टीवी देख रही हैं, आज हम सब बहुत ज़्यादा थक गए, थकावट काम की इतनी थकावट नहीं होती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी की वजह से ना मेरे सर में भी शदीद दर्द हो गया, अब जाके मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि थोड़ी सी बाहर गए थे, बाहर की हवा लगी है, मौसम अच्छा हो रहा था, और मैंने सर दर्द की टैबलेट ली, तो मेरी तबीयत काफ़ी अब बेहतर हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, तो यही करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म, उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, मज़ीद इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।